तो यार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे PKL मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थ्रू दी सीजन। तो सीजन 1 में यू मुंबा के अनूप कुमार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे, जिन्होंने 16 मैचेस में 155 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। तो सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 में बेंगलुरु बुल्स के मंजीत चिलर बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 16 मैचेस में 67 रेड पॉइंट्स और 40 टैकल पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 3 की बात करें तो सीजन 3 में पटना पायरेट्स के रोहित कुमार बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 12 मैचेस में 102 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 4 की बात करें तो सीजन 4 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे पटना पायरेट्स के प्रदीप नरवाल, जिन्होंने 16 मैचेस में 131 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 5 की बात करें तो सीजन 5 में फिर एक बार पटना पायरेट्स के प्रदीप नरवाल ही बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 26 मैचेस में 369 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 6 की बात करें तो सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स के पवन सेरावत बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 24 मैचेस में 271 रेड पॉइंट्स किए थे। सीजन 7 की बात करें तो सीजन 7 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे दबंग दिल्ली के नवीन कुमार, जिन्होंने 23 मैचेस में 301 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 8 की बात करें तो सीजन 8 में फिर एक बार दबंग दिल्ली के नवीन कुमार बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 17 मैचेस में 207 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 9 की बात करें तो सीजन 9 में जयपुर पिंक पैंथर के अर्जुन देशवाल बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 24 मैचेस में 296 रेड पॉइंट्स अर्न किए थे। सीजन 10 की बात करें तो सीजन 10 में पुनेरी पलटन के असलम इनामदार बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिन्होंने 23 मैचेस में 142 रेड पॉइंट्स और 26 टैकल पॉइंट्स अर्न किए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अपकमिंग सीजन 11 में कौन होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो ऐसे ही प्रो कबड्डी से जुड़े अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।